संतनंग निर्भूत की करते आर्य पाप जब तक अंतरंग में निर्भरता नहीं होगी यानी हमारी प्रणाम निर्दोष नहीं होगी तब तक आज धर्म प्रकट नहीं हुआ। ऐसे भी बात की आज धर्म प्रकट करने योग्य उपाय केवल सुनने और सुनाने की नहीं प्रकाश करने योग्य उपाय है। ये उपाधि का तो पहली कानून कोई कठिन नहीं उसमें ही उपाधि का ध्यान नहीं तो भी ज्ञान का क्या मतलब। आज फरमाया आज धर्म का आज आखिरी चक्र कुटर में जी का ये बाप सारा समझती कि भाई प्रसंगानुसार सबकी बात की बना है मतवारा मत ठाकुर माता जी का है कभी तो वो शरण सोए शरण तो सुबह जब माता को समय मुक्ता समझे ऐसे पत्र दूसरा दोस्त न समझे तब तो ज्ञान ही है। ये पहली विचार चाल ज्ञान अकेला नहीं होता ज्ञान मातृभाव में आनंद क्यों चल ज्ञान की मन अंतर्गत अंतक्रिया है। ज्ञान अकेला नहीं होता अकेला नहीं होता तो ज्ञान के साथ में दर्शन को ज्ञान को ज्ञान कहते और तुमने चाहे को उत्पन्न करता हो ज्ञान तेरा क्यों न होता ज्ञान ज्ञान नहीं होता। राजा जी बात कई की विद्वानों को कभी विद्वानों का काम केवल प्रवचन करना नहीं कहाँ क्या होना चाहिए यह भी ध्यान लगाना अभी जब चलेगी के सामने का आपको बता दी क्यों समय कम जब समय हुआ तब तो बुझना शुरू हुआ आप भोजन क्या कर दी इसे हम मतलब नहीं लेकिन सामूहिक रूप में समय संस्था एक काल के हमारे ज्ञान में तो ज्ञान में दर्द ही नहीं हम कुछ हो गए इसमें पहली पंजी का नया होते ही क्या नहीं लेकिन चर्या के समय पर पूछा फिर उठा समझ के टाइम पर कार्यक्रम पूरा हो गया तो दोबारा शुरू हो गया
भाई समझा कि मालूम ताँ तुम चेचे हो ताँ तुम तत्व सुख मालूम चेचा तो वही जो बाली तो बार की इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा आपका स्वापर की बिना एक बाली के बिना अंतरंग निर्गुण के प्रति आर्य भाव हमारा मतलब ये है अंतरंग निर्गुण का शोर हमारा ध्यान आना चाहिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए मरी जीवन का साधन छोटमा जी के शब्दों में जाना लोग मन बाई किया है कि हमारे जब अनुमानी बस चर्चा चर्चा हुए लेकिन मेल सुमेल बैठा नहीं क्या क्रियाओं के फल नहीं नहीं हुए क्या क्रियाओं पर जाना चर्चा करी तब अनुमान चर्चा चर्चा मैं हुई चर्चा मैं चर्चा के बिना चैया दुखी और चैया के बिना चर्चा कम की चर्ची जैसा एक हम लोग कहने लगे अग्रण तो हमारी बहुत है अग्रण की रोटी का भावना भाग्य भी तो योग प्रसाद से सहर होती है जब तक भावना के अनुकूल योग प्रसाद नहीं हो तब तक भावना सवर से करोगे भावना भावना अंतन ने दोस्ती प्रगटे आए सब भाव किसको प्रकट हुआ अंतरंग जिसका न दोष है उसको आज धर्म उसके जीवन में सफलता अंतरंग में कुटता है तो फिर आज भाव का क्या है हमने सुन लिया उन्होंने सुना कल बात कही थी यहाँ बैठ गए वक्त और यहाँ बैठ गए सारे कहीं भी बैठो ये भगवान ज्ञाता सत्य है ज्ञाता तो ज्ञात ही है ज्ञाता हुए बिना दाता कैसे हो अंतरंग निर्दोष है हमारा अंतरंग अभिप्राय बहुत निर्दोष होना चाहिए अंतरंग अभिप्राय के निर्दोष हुए बिना काम नहीं चले एक भाई बोला सोचन का हमने आशीर्वाद दिए कह का के निर्दोष कर रहा हूँ वही जिनसे निर्दोष कर क्या मतलब था निर्दोष वास है तो निर्दोष कर न कहाँ से हो निर्दोष वास नहीं है तो निर्दोष कर न कहाँ से आए ये करें तो हम कहें मुझे कर दिया साल हमें ये करना चाहिए अगर ये बात बन गई तो दूसरे को ने करना चाहिए पूजा करना चाहिए करो कौन मने करें करो तो सही लेकिन तुम्हें करना है अंतरंग निर्दोष से आसमान का स्वातंत्र अंतर्गत बिताए कि नहीं
क्या केजी न्यूज पर न खाओ दोस्त बात दो तब तुम दोस्त पढ़ना होगी और दिन दोस्त वास्तव कब हो जब हम उसके दुख में कम आए स्थिति करण जिसको और निर्दोष स्थिति करण कब हो निर्दोष में साथ नहीं हम ये कह कौन करें बीमार हो जा कदाचित हम नहीं जाएंगे हम तो कहते रोम भी नहीं पिया किसी लेकिन बीमार हो जा तो जी जाए तो हम करें ऐसे लगाओ क्या अपने राजस्वयं कराओ हम पहले देख लो वहाँ तो वैद्य के पास पी जाएंगे और हमें पहले दे ऐसा जो कुछ भी हो सो जा ये नहीं ये नंबर सी लगा है तो इसे पहले दे हमें पहले दे तो कोई रोगी आता है हाँ भाई चिंता मत करो तब ये कहीं हम पहले दे और जो पहले दिखा है वो मैं जस्ती हूँ बहुत मूर्ख हो गया जो नियम का पालन कर वो तो मूर्ख हो गया माम ने कहा मैं पहली हूँ ऐसे ही यहाँ संस्कृत हम भी विचार कर जी करेंगे अपने तुम करेंगे अपने हमें करना निर्दोष वर्णन करने के लिए ऊपर से चलोगे तो कम बनेगा निजी से होगी तो कम नहीं होने आर्यन से हो जाए अंतंग निर्दोष है आत्मा निर्दोष है आत्मा में कोई दोष नहीं है अंतोगा निर्दोष कोई दोष नहीं है व्यादर्श है आत्मा दीय है और निर्दोषा मार्फा दे पिता आदर्श हो गए कौन निर्दोष है देव और निर्दोष तत्व वह हमारा देव है देय और निर्दोष था ये हमारा साध्य निर्दोष था वह हमारा साध्य अंतर में निर्दोष है आलोचना पाठ में आकर देवी सुनिए जीना हमारी कैसे आए अखबार पढ़ने सदी के बाद अखबार पढ़ने आप अपने लोग दबा सुनने जाओ अखबार पढ़ने की बात अलग है और दवा देने की बात अलग अंतंग निर्दोष है अंतंग निर्दोष हो माने हमारा जीवन निर्दोष हो ये तो बात की बात हमारा आत्मा निर्दोष हो आपकी दुकान कमाने का स्थान यहाँ आपका लगाने का और यहाँ भी कमाई 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 ये हो तो कैसे काम करें दुकान कमाई के लिए आपको कमाना है या दुकान
कई कदम कांडा से लगा भगवान के चरणों में सतगी पूर्ण करी। फिर लगाने के लिए वैसा नहीं है, कौन सी दुकान वगैरह चार फैक्ट्री। हमने आपसे कहा था कि भैया उम्र हो गई, आप अपना जीवन अपने लिए जियो, केवल इसके लिए नहीं दूसरों के लिए। एक बजिए चंद अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा मैंने अपने लिए अपना और उसमें से शायद बोधे ऐसे अपने लिए सोचकर और दूसरों को रुचि आंधी के तो थोड़ा बहुत उसे उपदेश देकर उनका भला करें। अब ना लगते जाना व्यास अब टूटो मजीन का लिखा जाना व्यास हो जोड़ो टूटो मजीन का लिखा जाना व्यास हो अपने लिए क्या जाता उन पीछे नाम का एक स्वादेव मैं स्वादे की भी दूँ उन बेचा का मतलब है कैसे अगर ऐसा दोस्तों तो हमारे कैसे नहीं ऐसे गुण हमारे में कैसे पकड़ उनके गुण तुम्हारे कम नहीं है तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारी दुख भी हुआ और अप्रसन्नता भी। पहले ये बात दृष्टांतों कही थी अंग्रेजों की ताकत नहीं कि उन्होंने वहाँ से फौज आए और हिंदुस्तान को राज्य किया। ये हमारी मिल भेंट का नतीजा है कि हम अंग्रेजों से मिले। हमारा दूसरे उनकी बुद्धिमानी आदि पर मनुष्य शासन करे बस वो क्या बोलती अंकुश है अंकुश बोलते हाथी पर लगा हाथी ऊपर बैठा ये मन की ताकत नहीं हाथी की भूत का परिणाम है। नहीं तो आप जैसों को पर उठा करके सूंड में लपेट करके पटक दिए ऐसे कर्मों का ये खेद नहीं है। कर्म तुम्हें ऐसा नहीं करे कर्म कौन निभाने तुमने कैसे होगी तुम्हारी परिणाम जीव के दम परिणाम निमित्त मौतम प्रपद्यपन्न जीव के किए प्रणाम का फायकम यहाँ क्यों बैठी उठा क्यों नहीं आप आए आप सीखा बैठो। एक जानवर आएगा तो इसको बोला क्यों जीव जो भी है और जीव आप भी है एक अंजीब की बात नहीं परिणाम खे आपने अपने हृदय में परमेश्वर को बैठाया तो आपको बैठने कोई जगह मिली स्थान मिल गया और आपने परमेश्वर को नहीं बैठा होता तो फिर क्या होता। अरे जानवर की बात होती एक साहब भी आए तो हटा हटा बाहर जाओ कई बार गए बहुत सारा खराब रोक दी लेकिन वो भी सारा खराब
نير نوكي داب بسابة او محمد بيونا او ياقو بازون سواس بازوني باز او ياقو برمضا اپنے کو بھول کر بیتی حیران ہوتا ہے کوئی حیران کرتا نہیں اپنی بھول کے بنا بیچنے کوئی ایسا دب نہیں جو تمہیں جو بھی کر رہے انتنگ نروت کے کرتے آجا پا اگر رسا تم چاہتی ہو اتم تو یوگ پرساد بھی ہونے کیا انتنگ نردوس ہونا چی انتنگ نردوس بھی بنا آج اب تر پرگٹ نہیں ہوتا مانے جیون میں بولو کیا کہوئے سرطا نہیں آتا जीवन में सच्चा तब आएगी जब अपना अंतर निर्दोष होगा फिर बार फल तब आएंगे जब बच की मूड जड़ हरी भरी होगी अगर जड़ हरी भरी नहीं तो वहां फल कहां से आएंगे फल बेचने वाला दिनों अपन जा रहे हैं तो अभी सूखेंगे اور پیر پر لگے پھل دوپہری ملی ٹکی میں ہرا بھر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے کیوں چل میں پانی ان تنگ نے سوچ کے بہت بار پڑھو اور تب تک بڑھو جب تک کیا نہیں کیا پرتشر سے کیا نہیں کیا میں پرتشر ہوئے تب تک پلو انتنگ نردوس کے تب تک ہمارا لچ سوائی کب تک کرو گی جب تک نیوکتا نہ ہو جائے ایسی کب تک ہم پڑھیں گے کب تک ہم بچار کریں جب تک ہماری جیون میں نہ آئے انتنگ نردوس کے جی تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہم تو بھائی کے لیے اپنے سنتوش ہو گئے سودا سودا تو ہم نے ہو گئے تو اسے سمجھ وکاسا کہہ دیا پرماد بن کھونے کے لیے آپ نے ایک لائن پڑی ہوئی یہاں دنیا کے اسلام ہر بری ہو جاتے پانچ جن دھرم کی شروعات ہوتی ایسے دھرم مانے سوادھیا بھی لے آئے سامائک بھی لے آئے جب تمہارا بھاؤ سب کا سوادھیا پورا ہو گیا ہو گیا ایک ادھا پورا ایک گند پورا ہم نے سوچ کیا لیکن پورا سب کیا اپنے کو پورا دیکھا اپنے کو پورا دیکھے بنا میں تو پورا کیسے ہوگا انتنگ نروس کے پکٹے آج پاؤ انتنگ میں نروس ہو تب آج دھرم پکٹ ہو سکتا مانے آپ کو آپ کی بات کیا سب جیون میں ساتھ آئی آج چلتا کیوں نہیں آ رہی ہمارا انتنگ نروس نہیں انتنگ نروس کے کرتے آج بھاو کو پھر بڑھوں مل جائے کمر کا بھاو میں درسن ہونے پر ہوتا ہے اور من کا بھاو کل بات کی ہمیشہ اس کے ہونے پر ہو گئے تو انتنگ نروس کے پھرتے آج باپ آگے پر مرنوں مجھے چھوٹے کب کو جاؤ
बेटा भारी तो कौन का है? अंजय कवि, अंजय कवि जिनके बारे में ये बात कही जाती है, लड़की को सामने का दी जोड़ता डरता और सामने रखकर बिठा दिया कि लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे कुछ नहीं हुआ, ये गए इनके लिए दो चूड़े आए, हमने कहा सुन एक आत्मा के लिए एक शरीर थी, आत्मा शरीर का वेद ज्ञान हर समय रखो, बुझा सबको बुझा, तुम्हारी शरीर कितनी है कितनी संपत्ति है बुझा कोई बात, लेकिन आपने को न मत भूलो, अगर अपने को भूल गए तो सब काम बिगड़े। हमारी संपदा कीजिए, अरे जातों के तू संपदा हमारी हो तो कार्दुन अडारी जैसे नाचन के फेंकी, ऐसे साधु ने संपदा को छोड़ दिया, जातों के नहीं करो बोली, अरे ज्ञान पद क्यों बनोगी, मेरा पद मैं लगभग अब तो लगभग कोई कीमत ही नहीं, लेकिन ये बताओ उसके लिए आपको भीतर में क्या करना पड़े। ज्ञान जी चले गए पंडित जी, लेकिन चीज छोड़ने नहीं गए, वो आपके पास है, क्या कहती थी, क्या कहती थी बोलो, रुपया जो दुकान से आया वो दो ही चीज आपकी तरह क्या आया, कहते थे कहते आपकी तरह क्या है, ये सोचो भूतों से रुपया बैंक में गया वही तो जमीन गया, लेकिन आपकी जमीन आते वक्त गए आपको क्या बना थकन, आप तो थक गए रोटी खाने की बहुत नहीं और रोटी कमाने के लिए हम व्यापार करें, ऐसी दुकान चली रोटी कम खाने की फुर्स नहीं है उन्नी का होता है मान लिया हमने उन्नी का होता है सुबह है उस इनको अनंत चतुर्थ की संभव आदेश की आपकी और ये संभव पाई की विनती क्या तो कहते तू संभव हमारी सूत साधन न डाली, क्या मतलब क्या साधु नहीं कोई हो ही साधु, उन्होंने दादी हो भी छोड़ दी हो जैसे ना छिड़कने, अरे भाई जो ना छिड़कने के समान संभदा को छोड़ता है वो संभदा के पीछे नहीं बढ़ता भागता, उसी का नाम साधु है, उसे ही आजकल में आदता आएगी, जो देखो परिज्ञा समझता है, परिज्ञा समझता ही नहीं तो फिर उसे छुटे गए को लोक में भी क्या आया या खोटे को घोटा समझो तो आदमी का छुटे और खोटे को अच्छा समझो तो कभी नहीं छुटे। अष्टबार में एक बात दिखी कुंद कुन स्वामी ने क्या संसार भट्टा भट्टा संसार भट्टा ना सज्जन शरीर भट्टा ना भट्टा क्या का भट्ट तो ठिकाने पर आ जाए, लेकिन दर्शन का भट्ट कभी नहीं सुधर पाएगा।
经我这么理啊，主该道理讲起我那个的道理，自己家己不是那么理啊，是吧？我们的事情哪个？啊，你看你看，这个就读的家己，我这个理就来个，这个。कावरी मैं संतुष्टि नहीं होगी ऐसी स्वदेश का भाव आए हमें कवा आए पूजा कवा आए लेकिन उनमें संतुष्टि नहीं होगी संतुष्टि होती है कि बस यही धर्म पहली काज दिव्य दर्शन धर्म के लिए किया हमने दिव्य दर्शन को धर्म मान लिया बस धर्म है ब्याज धर्म तो है लेकिन ब्याज धर्म भी तब है जब दिव्य दर्शन के आत्म दर्शन के लक्ष्य को हम यहाँ आ भी गए और केवल कामनाओं की पूर्ति के तो आने से लाभ क्या होगा वैद्य के पास क्यों आ गए तो क्या बात नहीं यहाँ क्यों आए ताका वापने ताकि पूर्ति कर देंगे दिन इच्छाओं की पूर्ति के स्थान नहीं है इच्छाओं के अभाव के स्थान है आयतन जिसको शास्त्री वर्णन का आयतन नायतन आयतन और नायतन दिखा है कहता है सन और सदना आयतन माने धर्म के स्थान अनायतन माने धर्म के स्थान नहीं है वहाँ कौन सुनना जाएगा तुम्हारे कौन पर यहाँ आए तो सुनने के लिए और सुना तो अनुमान के लिए अनुमान के लिए अब वो तुम्हारी तुम सुन कर के रह जाओ क्या सुनो ही अनसुनी कर दिया बढ़िया बढ़िया उपाधि कहते हो और खाने में कुछ बन जाए तो मजा आता भीतर से निकल अरे आज क्वेश्चन में आनंद आ गया ये सोचो ठीक है एक काम तो अपने जगह भगवान पूरा कर उनके लिए लेकिन बहुत मन के नहीं सिखाने के लिए वहाँ विवेक हमारा जगत है चाहिए विवेक जगत करना चाहिए अंतरंग निर्दोष के उठे आ जाओ बस इतनी बड़ा इतने विचार कर जब तक हमारा अंतर नहीं है तब तक हमारा कुछ भी कार्यकार नहीं है स्वाध्याय हो गया लेकिन सभा नहीं हुई सफा नहीं हुआ वह तो सब है जब अंतरंग अंतरंग निर्दोष के प्रति आगे बाप जीवन में सत्ता है और सत्ता से जब आएगी और उसके साथ सुख आया क्यों ज्ञान के साथ सुख और अज्ञान के साथ दुख आपत्ति शासन के कुसंबर हमारी साधन आचार्य जैसे ना छिक चाहे तू कहते पुण्य योग उपाय हो तो पूजा स्वयं से पूजो
फिर साईं बांसी भाई आए कल तो आया बजेंगे आए जी क्यों थे आए बजे आवान एक वही वहाँ जान तो बैर को वहाँ जान संजा वहाँ जान साईं बांसी जी पहले इसको आपकी भाषा में एग्रीमेंट कर एग्रीमेंट होगा हिंदी क्या कहो अनुमान संस्कृत में और हिंदी में अनुमान मानिए और ये शब्द का प्रयोग होता है कि नहीं ये बस का अनुबंध उड़ हुई मतलब क्या हुआ अनुबंध होने उड़ हुई के जो नियम है वो इसमें लागू होंगी तो हमारा अनुबंध कैसे हमारा अनुबंध है केवल आत्मा बस इनका क्या होता है उन्हें कोई मतलब लेकिन अंतरंग निर्दोष होता है मार या नहीं ये सोचना चाहिए ना कि चाहिए तुमने सोचे हमारी क्षमता बात के जिनकी बड़ी बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तरक्की बाई के लिए आपका गौरव वायुग मन प्रसन्नता योग वह है प्रसन्न वाय इसकी ज्ञानी प्रसन्नता करें साथ के जे कहते इसको ज्ञानी अच्छा लगे हमने जो सुना था संबोधन में लोगों ने सुना था नहीं अनुभव किया था ये अमिता धांधा को आपकी डायरी में जो लिखा है आज जो वो नहीं के लिए आपसे मांग अनुभव किए बिना बोल कैसे देख कैसे है तू समझ कैसे है ये नहीं है इनसे कैसे हो अपने सीखो मनी हमारे तत्व संबोधन स्वरूप संबोधन ये तो गंध लेकिन ये एक भी गंध ऐसा होता जो पर संबोधन का हो मनी स्वाध्याय के माध्यम से भी प्रज्ञान जीव स्वयं को संबोधन करता है केवल पर का लक्ष्य समय भी अपना लक्ष्य अपने को संबोधन कर रहा है क्या आत्मी प्रणति कहाँ जा रही है न की चाहिए भाई दिन की हमने कहा और तुमने सुन लिया और पसंद कर दी इसे क्या हो समा गए भीतर और पढ़ होगा तो कम बन किया मैं पढ़ो तू विचार झुका अग्नि को किया हम पढ़ा उन्नी खूब बनू उन्नी गिरी में मालूम को मनुख का एक मेढक मानसरोवर का मेढक वह के मेरे के करा है सुनो मानसरोवर बहुत बड़ा है तो उसने करा है कुएं का आधा थोड़ी इतना बड़ा कि नहीं इससे बहुत बड़ा है तब पूरा कुएं का चिकरा है उसने फिर उन्होंने कहा तो बड़ा कि तो बड़ा नहीं बहुत ही बहुत बड़ा है तो क्या बोला कैन सुनने की बात हुई
इसी बड़ा मंत्र और क्यों बोल, क्यों इसी बात दी गई हमारी जैसा दी गई है, ऐसी पार हमने दी गई। हमने सोचा हम डरूंगे, हम तो तीनों टाइम सदा कर दिए, हम अंत नहीं कर दिए, वैद्य के पास नियोग कोई आता है, भिन्नी की घटना है सही। स्वामीनाथन बैठे, एक भाई ने बोला, एक बहन ने बोला कि पास छिड़ता कमजोरी आ गई। उन्होंने कहा तुम नियो होने के बाद हमारे पास आए, नहीं फिर कम हरे नियो का विजन हो गया तो अब मरेगा, उसका बीज भी नहीं बने और नियो का विजन हो गया है तो उसको कुछ नहीं हुआ। दोनों गाड़ी में तो अज्ञानी का विचार आपको काम नहीं है, ज्ञानी का विचार करो क्या मां छुपो तू तू निकाय मध्यम पुरुष नहीं उत्तम पुरुष में नहीं हीरा मां छुपो तू विचार है तो कौन को अग्नि के मिठाई दिया है। देखी तुमने अब तो कांच के शोरूम में हम कह रहे आपकी वोटों पर आपकी फूटर फूसो तो सजा नाम इसका क्या है फूटर। एक बुजुर्ग सही बात है कवर अब थान दो भाई, उन्होंने खाया तरीका भैया भोजन पापा जी तुम्हें मालूम नहीं आज ठंडी है हम होटल पे आते। उन्होंने सुन लिया मित्र से बोली फिर कभी आ जाइए तो चिंता मत कर आज जाए। अरे उसने कह दिया सीधा सर क्या आसन दिया तुम मालूम नहीं पावे हम मोटर से आते घर पर भोजन नहीं बनता माने आपको मालूम है लेडी में फ्लैट बनाइए किचन डर उसमें किचन नहीं क्यों होटल पर लिया और खा चाचा छठे दिन का अपने रखा हुआ अरे आपको होते तो सजा लेकिन जब हमारे विद्वान होटलों पहुँचे रहेंगे तो क्या हुआ हम इनसे कहें तुमसे भी व्यवस्था नहीं करो और हम बैठे बैठ जाए बस इतनी बनी बनी तो क्या हुआ जो हम थे दिया सको कि गांधी का देश है उसके विरुद्ध कैसे सुनती हो उन्होंने कई दिन बाद आने के लिए कहा और अंत में जी बोली पीटा गोल नहीं कहा ये बात तुम बैठे कहते क्या हम कहते लेकिन वैद्य का उसको बच को खाना यो
راتونا يوسف بس جون جيبات لكن بڑی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے پہلے سمجھوتا کیا پھر کہا کوئی مسکنا کہ پہلی ہم بھی کیسے جمعہ کے دن ہم نے کہا رکھنی جزش کو آری آتی ہوا خود نہیں کرنا چاہیے اور سچو جادو رہا ہے قطن خود کے پسنگ میں بھی خود نہیں کرنا چاہیے اور جب ایک کئی سوادی پک ہے نیچے لگا مان کے پسنگ میں مان نہیں کرنا چاہیے روگ کے پسنگ میں روگ نہیں کرنا چاہیے کڈتا کے پرسنگ کڈتا نہیں کرنا یہ نہیں تمہارا مطلب مطلب ہو تو کدی کو باپ مطلب نہیں ہو تو کوٹا مت کر لینا چھوٹی چھوٹی بچی بھی آپ سے یہ کہی راجی پاپا آپ نہیں ہمیں ایک بات کہنے کی ضرورت ہے اگر ہم ایک وشے میں نہیں سمجھ تو انیک وشے ہماری بھی کر پڑے تم نہیں سمجھتی یہ کہنے چاہیے لیکن کیا شروعات ہوگی آپ نہیں سمجھتی بابا آپ نہیں سمجھتی پاپا آپ نہیں سمجھتی ہم ہی کچھ سمجھتے ہوں گے کئی بات ہے اگر جن وانی سمجھی ہوتی ہم امی پاپا بنتی ہوں بھگوان بنتے یہ تو بھگوان بننے کا مارگ ہے انترنگ نروست ہے ہمارا انترنگ نروست کیسے ہوں گے اس وقت کو سوچو پلٹے آ جاؤ تاکہ پل اپنے آپ تاکہ پل منو مٹے چھوٹے کرم کو دا پھر کرم کو نہیں بات کرنا اسی بوجھ ہے لیکن اگر تمہارا کوئی نرمل ہے تیز گان ہے انتر تو کرم کر کر بیچاری کون بھول پھر یہ بات بھول کے جا رہی ہو جو اپنے پسند میں آتی تھی انہیں کہا ادے ہونے پر یہ بار کی سمرا اپنے آپ سے ایسے گیان کی سمرا آنے پر اپنے آپ کو شانتی اپنے آپ سے سرتا اپنے آپ سے رہتا اپنے آپ ہے اپنے آپ کب آئے ٹال چوٹ کی بات نہیں جب اپنے آپ دستی ہوگی اپنے آپ میں سنسٹھی ہوگی تب تب کام ہونے یوگی ایک سمے صاحب نے کرشی کام میں یہ لکھا ہے جس کے چھوڑنے پر سب کچھ جس کی گرن کرنے پر سب کچھ گرن چھوٹنے یوگ سوئم چھوٹ رہا ہے اور گرن کرنے یوگ سوئم گرن ہو من دکھ سوئم چھوٹ رہا ہے اور سکھ کا سوئم کرنا ہوتا ہے خوب سواد کرو اور سواد کو سواد کرو بس اوہ oh, no.